कोटा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर पंकज ओझा ने सीआरपीसी से जुड़े 321 मामलों का एक ही दिन में निस्तारण करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब तक इस श्रेणी के इतने मामलों के निस्तारण का यह पहला उदाहरण है। एडीएम सिटी पंकज ओझा इससे पहले राजस्व अपील न्यायालय कोटा में भी एक ही दिन में सर्वाधिक फैसले देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। एडीएम सिटी कोटा पंकज ओझा ने बताया कि फिटेहाल और मजबूर लोग जब अदालतों के चक्कर लगाते हैं तो दुख होता है और लगता है कि कहीं न कहीं हमारा सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस कारण लोगों का सिस्टम में विश्वास कम होता है। सीआरपीसी के 107, 116, 151 के छोटे मोटे मामले शांति भंग के मामले बिना वजह लंबित चल रहे होते हैं। आपराधिक तत्वों को पामबद्ध करने की कार्रवाई भी इसमें की जाती है। ऐसे 321 लंबित चल रहे प्रकरणों को एक साथ एक ही दिन में निस्तारण किया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जल्द ही इसको रिकॉर्ड को दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। जल्द ही उनकी टीम कोटा आकर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। प्रेरणा समाज के कई वर्गों से मिलती है। जब कोई आदमी यहाँ आता है, इसको फटेहाल देखते हैं और देखते हैं कि बार बार ये बिना किसी डांट के हमारे कोर्ट में चक्कर काट रहा है, तो दुख होता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में या हम में कोई गलती है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन काम हो जाने चाहिए थे उसके लिए भी इसको बार बार आना पड़ता है। तो वो सिस्टम में कुछ आम आदमी का विश्वास कम करता है, पहली बात तो प्रेरणा ही। दूसरा, हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो ऊर्जावान और क्षमतावान है, उनको देख करके हर काम को वो 100% देते हैं। तीसरा, परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा रखती है। जैसे मैं हड़ौती में हूँ, तो मेरी मन में ये बात है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं हड़ौती का नाम कम से कम रोशन करके जाऊँ। लोग हड़ौती वाले गर्व करें कि हमारे इस भूमि से कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। तो यहाँ की मिट्टी का भी कर चुका है, राजस्थान की मिट्टी का भी कर चुका है, और देश का भी नाम रोशन हो, इनकी शिक्षा के साथ में काम करने की प्रेरणा रखती है। किस तरह के मामले हैं ये? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी के रूप में ज्यादा जानते हैं, उसके 107, 116, 151, 110 जो भी अपराधी तत्व शांति भंग करते हैं, उनको पाबंदगी से संबंधित शांति बनाए रखने के लिए जो इस तरह से किए जाते हैं प्राइवेट और थाना अधिकारियों के द्वारा, उससे संबंधित मामलों का आज निस्तारण किया गया है लोक अदालत की भावना से। कितने लगभग? लगभग 321 से अधिक ऐसे मामलों का।